नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बिहार में शराबबंदी कानून को मुकम्मल कराने के लिए क्या कुछ हो रहा है, ये आपको तो पता ही होगा। तस्वीरें भी देख रहे होंगे आप कि किस तरह से बिहार में कानून को मुकम्मल कराने के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। दरअसल पिछले दिनों सीएम नीतीश कुमार ने निर्देश दिया कि शराबबंदी कानून में अगर कहीं भी कुछ कोताही बरती जाती है तो अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। तो नीतीश कुमार की इस आदेश का असर हुआ और बिहार में ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। उसके पहले जहरीली शराब से भी मौत का सिलसिला जारी हुआ था, लगातार मौतें हुई थी। उसके बाद सरकार एक्शन में आई थी। ये बातें हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि शराब बंदी है बिहार में और शराब बंदी को मुकम्मल कराने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही है। सीएम नीतीश कुमार का मानना है कि शराब जो पियेंगे वो मरेंगे। तो एक ऐसी खबर हम आपको दिखाने और बताने जा रहे हैं, हालांकि ये खबर बिहार की नहीं है, लेकिन इस परिप्रेक्ष्य में जरूरी है ये दिखाना कि शराब पीने वालों का क्या हश्र होता है। शराब जो पीते हैं वो क्या कुछ कर बैठते हैं जो शायद दुनिया समाज में थू-थू का विषय बन जाता है। रिश्तों की मर्यादा भी भूल जाते हैं और रिश्ते तार तार हो जाते हैं। दरअसल रिश्ते, एक शराबी बेटे ने अपनी मां की हत्या कर दी है। तो ये झारखंड से ये खबर है, हम आपको दिखा रहे हैं और बता इसलिए रहे हैं कि बिहार में जब शराबबंदी को लेकर काफी हो हल्ला मच रहा है, इस बीच एक शराबी बेटे की करतूत आपको दिखा रहे हैं। शराबी बेटे ने अपनी मां की हत्या कर दी। दरअसल शराबी बेटे को शराब के लिए पैसे चाहिए थे, मां ने नहीं दिए तो उसने मां की हत्या कर दी। तो पूरी खबर आपको बता दे, ये गुमला जिले का है, गुमला जिले का मामला है झारखंड का, जहां चैनपुर थाना क्षेत्र के रामपुर बैरटोली में शराबी बेटे ने लकड़ी से मारकर अपनी मां की हत्या कर दी। यानी किस कदर मां को मारा होगा, लकड़ी से मार मार कर मां की हत्या कर दी। शराब के नशे में वो धुत और शराब पीने की सर पर जो सनक सवार थी उसने अपनी मां को ही नहीं बख्शा, उसकी जान ले ली। तो शराब का जब नशा चढ़ता है तो किस कदर इंसान सनकी हो जाता है, पागल हो जाता है, कुछ भी करने को तैयार होता है, इसका ये नतीजा हम आपको दिखा रहे हैं। और पैसे की मांग को लेकर इनके साथ मारपीट करता था। ग्रामीण जो औरतें हैं यहाँ पर, स्थानीय जो ग्रामीण हैं, ये लोग काफ़ी बार बीच बचाव किए हैं और ऐसा बहुत बार हुआ है कि वो मार रहा था और औरत लोग आके बचाई हैं। तो ग्रामीण लोग बोल रहे हैं ऐसा संभवतः ऐसा ही है कि इनका बेटा ही इनको मारा है रात में। तो जो माँ की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद वो फरार हो गया। बताया जा रहा है कि जो सुबोध तिग्गा अपनी मां 40 वर्षीय शोषण तिग्गा से बार बार शराब पीने के लिए पैसे को लेकर लड़ाई करता था, वही परिजनों ने बताया है कि शराब पीने को लेकर पैसे मांग रहा था वो। पैसा नहीं देने पर घर में रखे लकड़ी से उसने मां पर वार कर दिया और पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी। तो इस मौके पर अब पुलिस पहुंची है, पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। तो शराबी बेटे ने मां की ही जान ले ली, समझा जा सकता है शराब कितनी बुरी चीज है। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।